जबलपुर में भाजपा सरकार पर चिटफंड कंपनी को संरक्षण देने का आरोप लगा हुआ है। आपको बता दें कि जबलपुर शहर के भाजपा सांसद और विधायक भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पैसे दिलाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है। संभाग में करीब 1200 करोड़ रुपयों का भुगतान जिले में लंबित है। ये बातें प्रेस वार्ता के दौरान निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के संरक्षक सौरभ नाटी शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय घेराव प्रदर्शन 7 जून को दोपहर 1 बजे किया जाएगा। प्रदर्शन विशाल जनसमूह के साथ रैली के रूप में रसल चौक कार्यालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचेगा, जहां निवेशकों के द्वारा दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मामले में विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि संवेदनशील मामा को सभी निवेशकों की हालात के बारे में पता है, बावजूद इसके मामा भांजे और भांजियों के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मामा असली मामा नहीं है। चिटफंड कंपनियों ने खुले पैमाने पर लूट मचाई है। वहीं सरकार का इस पर मौन रहना उन गरीब निवेशकों के मन में संदेह पैदा करता है, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों और सहारा इंडिया की नाक में नकेल कसकर निवेशकों के निवेशित राशि का भुगतान वापस करा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। जिस प्रकार माफियाओं पर अभियान चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर निवेशकों के पैसे सरकार क्यों नहीं लौटा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा निवेशकों के द्वारा की जा रही शिकायत के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक संजय यादव, जगत बहादुर अन्नू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहित अनेकों चिटफंड कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और जबलपुर जिले में लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का सहारा और सब चिटफंड कंपनियों का मिला के लोगों का भुगतान लंबे। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा है, क्या कोई ऐसा मामा हो सकता है जिसको अपने भाई भांजियों के बारे में पता ना हो? क्या कोई ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री हो सकता है जिसको ये ना पता हो कि निवेशकों के क्या हालात है? लेकिन जब कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री ना हो, जब मामा असली मामा ना हो, तो यही हालात होते हैं जो मध्य प्रदेश में।